साउथ की एक पान इंडिया मूवी दशहरा का ट्रेलर आया है। इससे पहले इसका एक टीजर भी आया हुआ था, जिसको देखने के बाद सबका रिएक्शन यही था कि ये तो पुष्पा जैसा लग रहा है, पुष्पा से हैविली इंस्पायर्ड है, क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है जिनका रोल प्ले किया है नानी ने, उनको ऐसा ही लुक दिया गया है और एक यूनिक सा स्टाइल दिया गया है जैसे कि पुष्पा में हमने अल्लू अर्जुन के साथ देखा ही था। तो हाँ, दशहरा के ट्रेलर में पुष्पा वाली फील तो आती है, जिसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो मूवी के डायरेक्टर है यानी कि श्रीकांत उडेला, उन्होंने पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के साथ काम किया हो, मे बी उनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने भी कुछ ऐसा ही करना चाहो कि पुष्पा जैसा ही कुछ एक और बार अपनी तरह से प्रेजेंट करते हैं। और अब साउथ में भी ऐसे ही होने लगा है कि जिस टाइप की मूवीज चल रही हैं, जैसे कि पुष्पा चली तो अब ये दशहरा जैसी पुष्पा बना दी, और केजीएफ चली तो ऐसी गैंगस्टर बेस्ड मूवीज बनने लगी, जैसे कि हाल ही में आप कब्जा को देख सकते हो। तो साउथ में भी अब ऐसा ही होने लगा है जैसा बॉलीवुड पिछले सालों से करता आ रहा है। बस अब डर ये है कि बॉलीवुड जैसा हाल साउथ वालों का ना हो जाए। पर खैर, इन सब बातों को छोड़कर अगर दशहरा के ट्रेलर पर बात की जाए तो भाई ट्रेलर मेरे को पसंद आया, एकदम ब्रूटल, खून खराबा देख के मजा आ गया कि भाई ये होने वाली है अपने टाइप की पिक्चर। क्योंकि हंसी खुशी, प्यार मजाक और कॉमेडी तो हम बचपन से देखते ही आ रहे हैं, अब कुछ सीरियस और ब्रूटल भी देख लेते हैं, क्योंकि अब मैं बच्चा थोड़ा ही रह गया हूँ, मतलब बच्चा हूँ लेकिन बड़ा वाला। इसके बाद ट्रेलर को क्या शानदार तरीके से काटा है, मतलब ट्रेलर हाइप भी क्रिएट कर देता है और मूवी की स्टोरी के बारे में जरा सा भी रिवील नहीं करता है कि पिक्चर में हमको देखने को क्या मिलेगा, जो कि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेलर का काम होता है हाइप बिल्ड करना, ना कि पिक्चर की स्टोरी बताना। पूरे के पूरे ट्रेलर में बस मेन कैरेक्टर पर फोकस किया है, जिनका रोल प्ले किया है नानी ने, जिनका मूवी में नाम है धरानी, जिनका कैरेक्टर एक एंटी हीरो टाइप होगा, जो कि बुरा तो होगा लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर के साथ। और मैंने कहीं पढ़ा था कि एवरी बैड गाय ए गुड बॉय होता है, जो कि ये लाइन मेरे को काफी सही लगी, और ये लाइन इस कैरेक्टर के पूरे आर्क को हमारे सामने रख देती है कि एक लोंडा होता है जो कि लोंडी के प्यार में पड़ता है और काफी अच्छा होता है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि उसको अपना प्यार नहीं मिल पाता है और वो ऐसे ही गलत कामों की दलदल में फंस जाता है और बन जाता है एक गुड बॉय से एक बैड गाय। इसके बाद भाई तारीफ करनी बनती है एक्टर नानी की भी, क्योंकि बंदे ने क्या कैरेक्टर पकड़ा है, एकदम गूज़बम्प्स आ जाए देखकर ऐसी परफॉर्मेंस है, और पक्का थिएटर में आएंगे। ये वही बंदा है जिसने की जर्सी मूवी में एक सीधे साधे क्रिकेटर का रोल प्ले किया था, और यहाँ देखो, देखकर लगता है कि मुंह पे पहले मारेगा बाद में बताएगा कि क्या सही था और क्या गलत था। इसके अलावा जो ट्रेलर में म्यूजिक सुनने को मिला है वो काफी बढ़िया था, जो कि दिया है संतोष नारायण ने, और पूरी पिक्चर में भी एक गांव के इलाके में सेट होने वाली है, जहां पर कि हमको हीरोइन भी दिखाई जाती है और वो भी काफी बढ़िया लग रही है बिना मेकअप के, जिनका रोल प्ले किया है कीर्ति सुरेश ने। अब इनके बारे में क्या बोलूं, अच्छी तो लग रही है। तो ओवरऑल दशहरा का ट्रेलर मेरे को अच्छा लगा और प्रॉमिसिंग भी पिक्चर के लिए, अपन एक्साइटेड है। मूवी आ रही है 30 तारीख को, जिस दिन अजय देवगन की भोला भी आ रही है, तो पहले तो भोला ही देखेंगे, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि इसको भी पहले दिन ही देखें और जल्दी से आपके लिए रिव्यू भी लाए। तो अगर वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक मार देना, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और हाँ, अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम। ओ कसम धोनी, तू तो पैदाइशी किस्मत वाला है।